फ्रेंड्स हाउसफुल सबसे लोकप्रिय फिल्म फ्रेंचाइजी में से एक है और जब से इसकी पांचवी किस्त की घोषणा हुई है दर्शक इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और अब मूवी लवर्स के लिए एक और अच्छी खबर है क्योंकि निर्माता साजिद नाडियावाला अभिषेक बच्चन की स्टार स्टैंड कास्ट में वापस शामिल होने की एक और रोमांचक घोषणा ला रहे हैं। फिल्म में अक्षय कुमार, अनिल कपूर, नाना पाटेकर, रितेश देशमुख और चकी पांडे मुख्य भूमिकाओं में हैं। और अब अभिषेक बच्चन अपनी शानदार कॉमेडी टाइमिंग के साथ बोर्ड पर आ रहे हैं। ऐसे में लोग फिल्म से और भी अधिक हंसी और मनोरंजन की उम्मीद कर सकते हैं। इसकी शूटिंग अगस्त 2024 में यूके में शुरू होगी। फ्रेंड्स साजिद नाडियावाला ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, मैं अभिषेक को हाउसफुल फ्रेंचाइजी में वापस लाकर रोमांचित हूँ। टाइमिंग और ईमानदारी ही हमारी फिल्म को ऊपर उठाएगी। दूसरी ओर अभिषेक बच्चन ने साझा किया, हाउसफुल मेरी पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी में से एक है और वापस आकर ऐसा लगता है जैसे मैं घर लौट रहा हूँ। साजिद नाडियावाला के साथ काम करना हमेशा बहुत खुशी की बात रही है। मैं अपने साथी कलाकारों अक्षय और रितेश के साथ सेट पर जमकर मस्ती करने के लिए एक्साइटेड हूँ। मैं अपने खास दोस्त तरुण मनसुख खानी के साथ फिर से सहयोग करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं दोस्ताना के बाद दोबारा उनके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ। यह बहुत मजेदार होने वाला है। हाउसफुल पांचवी किस्त तक पहुंचने वाली पहली हिंदी सिनेमा फ्रेंचाइजी भी है। इससे पहले रिलीज हुई सभी फिल्में सुपरहिट रही हैं और बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। हाउसफुल 5 6 जून 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। पहली हाउसफुल फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी और इसमें अक्षय कुमार के साथ जिया खान, अर्जुन रामपाल, जैकलीन फर्नांडिस, लारा दत्ता और चकी पांडे मुख्य भूमिकाओं में थे। फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म 2012 में सिनेमाघरों में हिट हुई। दूसरी ओर हाउसफुल 3 और 4 2016 और 2019 में रिलीज हुई। हाउसफुल 5 का निर्देशन तरुण मनसुख खानी द्वारा किया जाएगा। हालांकि फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं और आपका इस मूवी के बारे में क्या मानना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।